इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहाँ आता है। हम देखते हैं सारी चींटियाँ वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए। अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार वार क्या एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं दिखाऊं? अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को ये देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सबने बहुत मेहनत की है। ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो।